बीए भाग एक सत्र एक के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने व्हाट्सएप पर आपको इसका पाठ्यक्रम प्रेषित किया है, जिसका पहले पाठ का आरंभ हम आज करने जा रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम का पहला पाठ है न्यूर, जो कहानी है जिसके लेखक है प्रेमचंद है। यह कहानी है तो कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय हम दे सकते हैं इसमें कि हमारे देश में कहानी प्राचीनतम रूप कथा के रूप में है। उस समय कथाओं का विशेष विषय जो था वह वीर राजाओं का शौर्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, दान, वैराग्य, श्रृंगार, आपसी वैमनस्य, समुद्री यात्राओं का साहस, आकाश पाताल तथा गम्य पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व आदि था। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम कहानी के संबंध में अनेक कहानियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो है सभी मान्यता प्राप्त कहानियों के रूप में जो है 11 वर्ष का समय ये इस कहानी को प्रथम हिंदी की मौलिक कहानी के रूप में मान्यता माना जा रहा है। हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखित उसने कहाता है। इस प्रकार हम कहानी की इसमें ज़्यादातर चर्चा न करते हुए इस पर आते हैं। तो कहानी की परिभाषा भी अनेक लोगों ने दी है, उसमें साहित्यकार अज्ञेय की परिभाषा जो है कहानी के संबंध में और अच्छी लगी है, जिसको हम लेते हैं कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है, ऐसा उन्होंने कहा है। कहानी का अभ्यास करते वक्त हम ये देखते हैं कि कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी का अभ्यास या अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें कहानी के 6 तत्व हैं। कथा वस्तु है, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण है, तीसरा कथोपकथन आता है, चौथा देशकाल और वातावरण है, चौथा भाषा शैली और पांचवा भाषा शैली आता है, और 6वां जो है उद्देश्य आता है। तो इस प्रकार हम कहानी के इसको ले सकते हैं। कहानीकार का अगर परिचय देते हैं तो इनका जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ। इनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। इनकी शिक्षा उर्दू में हुई है और कुछ अंग्रेजी में भी हुई है। इन्होंने अपने जीवन में 11 उपन्यास लिखे हैं, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, और जो कहानियाँ जो इनकी मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित है। इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं जो करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा सरल, सरस और भावानुकूल हैं। इनकी यानी मुहावरे और कहावतें इनके साहित्य में ज़्यादातर दिखाई देती हैं। इनकी भाषा में जो है उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग जो है हमको दिखाई देता है। विषय प्रवेश की इसमें अगर लेते हैं तो नेवर कहानी जो है, यह कहानी एक नेवर नामक देहाती व्यक्ति की है जो सीधा साधा था, मजदूर था, मेहनत मजदूरी करके अपना काम करता था और किसी को धोखा नहीं देता, सबके साथ मिलजुल कर रहता था, लेकिन अपने पत्नी से प्रेम करता था और पत्नी की सेवा भी करता था, और इस प्रकार उसका सीधा जीवन जो है बीतता था। लेकिन ऐसे इसमें एक साधु का प्रवेश जो है उनके इसमें होता है, वो उन्हीं के घर के सामने पीपल के वृक्ष के नीचे आता है और डेरा डाल देता है, और ये साधु की सेवा करने के लिए नेवर जो है रहता है, उसका भोजन बनाना, उसकी सेवा करने के लिए। लेकिन वो साधु जो है एक बार इसको धोखा देता है और इसकी पूरी चांदी मतलब कुछ गहने और रुपये पैसे लाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें डबल कर दूँगा, और फिर उसे धोखा देकर उसका सारा गहने और पैसे लेकर भाग जाता है। और उसके बाद में नेवर भी उसके पीछे पीछे चले जाता है और वह मिल नहीं पाता है, और लोक लाजवश जो वह भी अपने घर वापस नहीं आ पाता है, और फिर स्वयं साधु बनता है। और यह वह चाहता है कि मेरे साथ जो धोखा हुआ है और मेरा जो नुकसान हुआ है, मैं दूसरों को धोखा देकर या दूसरों को लूट कर उसकी भरपाई कर लूँगा, लेकिन वो वैसा कर नहीं पाता उसके हाथ में शिकार अलग अलग के बावजूद भी। और फिर वह वापस आ जाता है और आने के बाद उसको पता लगता है कि उसके पत्नी जो रहती है उसकी मृत्यु हो चुकी है, बच्चों ने बताया है, और मृत्यु के गम में जो है वह वहीं पर जो है यानी इस पर जाकर जो है रास्ते पर जाकर बैठे रहता है, चुपचाप लोगों से कुछ आने के लिए देते हैं, और इस प्रकार जो है आखिर में उसकी जो है उसका जीवन जो है बीतते रहता है। तो इस प्रकार हम कहानी का सारांश ले सकते हैं। कहानी का इसमें अगर लेते हैं तो कहानी के महत्वपूर्ण जो है नेवर है,
और कहानी के महत्वपूर्ण पात्र जो नेवर है उसकी पत्नी है, और जो दो घटना है साधुओं की, और एक साधु जो स्वयं उसको धोखा देता है वह, और दूसरा साधु जो है जो स्वयं नेवर बनता है वह। तो इस प्रकार हम लेते हैं कि पति पत्नी का प्रेम और दोनों को एक दूसरे के भविष्य की चिंता दिखाई देती है। पहले इसमें प्रास्ताविक में या शुरुआत में लेखक ने यह करने का प्रयास किया है कि नेवर को बताया, उसके चरित्रों को बताया, और उसके बाद में हम देखते हैं कि नेवर जब काम करके जो है घर में जब आता है तो पत्नी के लिए सेवा करता है, उसकी खाना बनाता है और उसके लिए पानी लाता है, और दोनों भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उस समय जो चर्चा होती है वह चर्चा जो होती है कि कौन यानी वो पत्नी की तारीफ़ करती है, पत्नी उसकी तारीफ करती है, और पत्नी की चिंता करने से, तारीफ़ करने से यह भाव विभोर हो जाता है, और पत्नी जो है पत्नी के लिए मरने मिटने की बात होती है और कौन पहले मरेगा इस पर जो है चर्चा होती है, और नेवर कहता है कि मैं ही पहले जाऊँगा या मेरी ही पहले मृत्यु होगी, और इस प्रकार वह यह भी विश्वास अपने यानी समझ लेता है कि मेरी पहले मृत्यु होगी और मेरे जाने के बाद पत्नी का क्या होगा। तो इसके लिए वह दिन रात कोई भी काम करके जो है पत्नी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन जमा कर रखना चाहता है ताकि वह मरने के बाद में पत्नी को कोई भी चिंता न हो। उसके बाद में कहानीकार ने यह बताया कि गांव में एक साधु का आगमन होता है, या आगमन करने के बाद में साधु उसके सेवा करने का काम नेवर पर आता है, सेवा करता है, और साधु जो है वह नेवर को धोखा देता है, और धोखा देने के बाद नेवर जो है उसके पीछे पीछे भाग जाता है, लेकिन साधु धोखेबाज साधु उसे नहीं मिलता है, और नहीं मिलने के बाद वह भी एक जगह दाढ़ी वगैरह ये वो बढ़ जाती है, और दाढ़ी वगैरह बढ़ने के बाद वह जो है झांसी जिले के घसान नदी के किनारे जो है एक छोटा सा गांव जो रहता है काशीपुर, वहाँ पर जो एक पहाड़ी टीले पर जाकर बैठ जाता है, और लोगों में ऐसी चर्चा हो जाती है कि एक साधु आया है, बहुत ही अच्छा है, सच्चा है, किसी से कुछ लेता नहीं, किसी को धोखा नहीं था, बहुत ही अच्छा है, और इस प्रकार जो है चर्चा उसकी फैल जाती है। तो एक युवती जो है उसके वश में आती है, यानी उसके एक भक्त बनती है, और उसकी समस्या ये रहती है कि उसका अपने पति से जो है उसका अपने सास से नहीं पटता है, और वह यह चाहती है कि उसका पति जो है सास से अलग रहे और उसकी बात माने, और ये बात यानी पति जो है इस बात के लिए तैयार नहीं होता, तो उसका घर छोड़कर, पति का घर छोड़कर यह युवती जो आ जाती है, और नेवर साधु बाबा से यह चाहती है कि उसकी मनोरथ पूरी हो, मतलब उसका पति जो उसके वश में रहे। और यह एक दिन जो है अपनी बात जो है वह नेवर साधु बाबा के सामने बताती है, और वह बताने के बाद नेवर जो है उसे लगता है कि अभी शिकार उसके हाथ में आया है, और उसको बोलता है कि इस काम के लिए जो अनुष्ठान करना पड़ता है और उसमें कुछ बहुत सारा खर्चा आएगा, तो वह युवती जो है रुपये पैसे का गहना और पिटारी लेकर जो है बाबा के पास में आती है, लेकिन सीधा सच्चा नेवर जो है वह उससे धोखा देने के लिए उसका मन जो है वह तैयार नहीं होता है, और वह उससे जो कहता है कि यह बेटी ये गहनों की पिटारी तू ले जा, तेरा मनोरथ जो अवश्य पूरा होगा, इस प्रकार जो उसे धोखा न देते हुए अपने आप पर पछता कर वह वहाँ से जो है वापस चले आता है। इस प्रकार जो है एक सीधा सच्चा व्यक्ति जो है कभी भी किसी भी परिस्थिति में जो है किसी को धोखा नहीं दे सकता, यह बताने का प्रयास जो इस कहानी के द्वारा लेखक ने किया है। हम कहानी का उद्देश्य अगर देखते हैं तो इसमें कहानी के द्वारा लेखक ने यानी कहानीकार ने प्रेमचंद ने यह बताने का प्रयास किया है कि अज्ञान, अंधश्रद्धा और लालच के कारण पाखंडियों, धोखेबाजों से, ईश्वर के दलालों से धोखा खाकर अपने परिवार का जीवन बहुत सारे लोग जो है बर्बाद कर रहे हैं, और उसके परिणाम उसको, उसके परिवार के लोगों को, सबको भुगतने पड़ रहे हैं, और मानव के विकास में जो है एक प्रकार से खंड जो है आ चुका है। दूसरा हम इसमें अगर लेते हैं तो इसमें एक प्रकार की सीख हमको दिखाई देती है कि जीवन का अज्ञान जो है हमने दूर करना चाहिए, और यह हम शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं, और इसके लिए हमें ज्ञान, विवेक और बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, और जीवन में साधु, धोखेबाज, ढोंगियों से सावधान रहना पड़ता है, और ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में बहुत सारे मिलते हैं, और हमने ये करना चाहिए कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार की सीख जो है हमें मिलती है जो नेवर के चरित्र के द्वारा लेखक ने देने का प्रयास किया है। इस कहानी में हम कहानी को समझने के लिए या कहानी आपने पढ़ने के बाद
आपके सामने जो प्रश्न तैयार होंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहते हैं, उसमें जो है जिस पर पूछा जाता है कि लेखक का परिचय, मतलब व्यक्तिगत और उसका कृतित्व, उसका नामोल्लेख करना, लेखक का नाम क्या है, लेखक ने कौन सी कहानियाँ लिखी है, कौन से ने कितने कहानियाँ लिखी है, कितना उपन्यास लिखे हैं, कितने नाटक लिखे हैं, इस पर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न इस पर पूछा जाता है कि कहानी का सारांश लिखिए, और तीसरा इसमें लेते हैं कि कहानी के पात्र जो उसका चरित्र चित्रण कीजिए, प्रमुख पात्र, इसमें प्रमुख पात्र आता है नेहूर, तो नेहूर का चरित्र चित्रण कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। या फिर दूसरा प्रमुख पात्र है बुधिया, तो बुधिया के चरित्र की विशेषता स्पष्ट कीजिए, यह भी एक प्रश्न आ सकता है। तीसरा पात्र आता है कि साधु, धोखेबाज साधु ने नेहूर को कैसा यानी धोखे में लाया, या कैसे उसके साथ में बर्ताव किया, यह भी आ सकता है। और चौथा प्रश्न हम ले सकते हैं, महत्वपूर्ण जो रहता है, साधु बनने के बाद में नेहूर जो है ने उस महिला भक्त के सब भक्ति के सब भक्त के साथ में क्या बर्ताव किया और क्या नहीं कर सका, उसके बारे में आता है। तो चरित्रों का चरित्र चित्रण भी आता है, कहानी का उद्देश्य भी अपने हिसाब से लिखने के लिए कहा जा सकता है, और कहानी का उद्देश्य होने के बाद में कहानी हमें क्या संदेश देती है, यह भी प्रश्न जो है इस पर जो है पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार नेहूर कहानी को हम सारांश रूप में इस प्रकार ले सकते हैं। इसमें फिर बहुत सारे इसका संवाद आता है, यानी बाबा का और इनका संवाद दिया गया है नेहूर भक्त नेहूर का। उसके बाद में हम कहानी के शुरुआत में जो हम देखते हैं कि नेहूर के साथ में काम करने वाले लोग जो हैं उनका संवाद दिया जाता है, लेखक ने नेहूर के साथ में किस प्रकार उसके साथी जो है हंसी मजाक करते हैं, और नेहूर जो है कैसे इनके बाकी अन्य लोगों के साथ में बर्ताव करता है, मिलजुल कर रहता है, कैसा मेहनती है, उसकी क्षरियष्टि कैसी है, उसका बर्ताव कैसा है, ये दिया बताया जाता है लोगों के साथ में, और नेहूर किस प्रकार मेहनत मजदूरी करता है ये भी बताया गया है, और नेहूर की हंसी मजाक करने वाले जो मित्र रहते हैं वो बताते हैं कि पत्नी तुम्हें धोखा देती है, इस वजह से पत्नी के साथ में कैसा गुजारा होगा, तो उसके उद्देश्य में वो उनको क्या समझाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण कथोपकथन की इसमें हम दे सकते हैं जो कहानीकार का कहानीकार ने अपनी भाषा में दिया गया है इस प्रकार। और तीसरा यह आता है कि महत्वपूर्ण मुद्दा जो आता है कि नेहूर साधु बनने के बाद नेहूर के सामने जब भक्त उसके इसमें आती है, यानी उसके चंगुल में फंसती है, जिसे वह आसानी से लूट सकता था, तो उसका एक सही तरह से वर्णन जो है यहाँ पर उन्होंने किया है कि किस प्रकार वह उस पिटारी को अपने पास रख भी नहीं सकता, या उस महिला को भी नहीं बोल सकता कि बेटी तू ये अपनी पिटारी जो है यहीं पर रख दे, तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा, यह भी नहीं कर सकता, और दूसरा यह भी नहीं कर सकता कि तेरा काम हो जाएगा तू यहाँ से चली जाए, इतना भी नहीं कर सकता, उस पिटारी गहने के पिटारी को हाथ भी नहीं लगा सकता, मतलब उसका मन जो है उसको उस बात को गलत काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, इस प्रकार का जो लेखक ने जो किया है वह भी बहुत ही विशिष्ट बात जो हमको दिखाई देती है, जिससे हमारे सामने एक प्रकार का चित्र जो है उभर कर सामने आता है कि किस प्रकार एक सीधा सच्चा व्यक्ति जो है यानी उसके वश में रहने के बावजूद भी किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं कर सकता, ये उसके एक चरित्र या प्रकृति या के संबंध में जो है स्वभाव के संबंध में जो है या लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से जो है हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, क्योंकि एक ही इसमें या इतने इस पर जो है हम अच्छी तरह से आप जब इसको जब कहानी को पढ़ेंगे तो आपके सामने बहुत सारी बातें जो है खुलकर जो है सामने आ सकती है। तो इस प्रकार हम कहानी को सारांश रूप में ले सकते हैं। आप कहानी पढ़िए जो आपके पाठ्य पुस्तक जो है साहित्य प्रकाश की इसमें, और कहानी पढ़ने के बाद में अगर आपको कहीं कुछ अगर तकलीफ जा रही है या कुछ हो रहा है या कुछ अड़चन जा रही है तो व्हाट्सअप रहता है आपने आपका, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हूँ, तो उस पर आप अपने प्रश्न लिखिए या फिर प्रश्न लिखिए, मैं उस पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जहाँ भी अड़चन जाती है निसंकोच आप जो है हम पर यानी हमें बता सकते हैं। तो इस प्रकार संक्षिप्त में ये बताने का हमने जो है प्रयास किया है, ठीक है, धन्यवाद।